You are watching Poonch Live. फिक्र क्या है? ये रोजेदार के लिए, उसके रोजे के लिए पाकिजगी है। मिनल लग भी बर रफ, जो लग बातें इंसान से जाने में अनजाने में निकल जाती है कुछ बातें, उससे रोजा क्या होता है? पाक होता है। और मसाकीन के लिए क्या है? खाना है। यानी मस्कीन लोग भी और गरीब लोग भी, माशरे के नादार लोग भी उस दिन जो है सब मुसलमानों के साथ अच्छे तरीके से ईद कर ले। ये सदका फितर इसलिए है। और सदका फितर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते हैं कि ये सदका फितर जो अदा नहीं करता है उसके रोजे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, लटके रहते हैं। और सदका फितर जो है नमाज ईद उल फितर से पहले पहले अदा कर देना सुन्नत है। नमाज ईद उल फितर से पहले पहले अदा कर देना सुन्नत है। ये सदका फितर छोटे बड़े, मर्द औरत, गुलाम आजाद, सब पर वाजिब है। ऐसा नहीं है कि छोटे के ऊपर ना हो। या माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, किसी ने सेहत भी होते हुए बगैर उज़्रे शरी के रोजे छोड़ भी दिए तब भी उसके ऊपर सदका फितर वाजिब है। तब भी क्या है? सदका फितर वाजिब है। और बताया था फिर जमा भी कि एक आदमी का सदका फितर जो है 70 रुपए है। आपने नेट के ऊपर भी पढ़ा होगा, मुफ्तियाने किराम ने, उलमाए किराम ने इसकी वजाहत फरमाई है। तो हर आदमी उस हिसाब से अपना सदका फितर अदा करे। और जो हजरात किसी उज़्रे शरई की वजह से या ऐसी लाइलाज बीमारियों के अंदर मुब्तला है कि वो रोजा नहीं रख पाते हैं, उनके लिए क्या है? फिदिया है। वो अपने एक रोजे का इसी तरह जितने उसके रोजे गए हैं, 30 रोजे गए हैं, 29 रोजे गए हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना सदका फिदिया जो है अदा फरमा दे। उसका भी यही मुफ्तिया ने किराम में फरमाया कि एक रोजे का 70 रुपया, लेकिन कम से कम यानी 2 टाइम का खाना तो 70 रुपए में, ये मेरे ख्याल से मौला आपका लिहाज रखा है। 2 टाइम का खाना कम से कम 150 रुपया जो है होना चाहिए, लेकिन जो हजार तो नहीं अदा फरमाते, कम से कम 2100 रुपए या इस तरीके से वो बनता है वो भी अदा फरमा दे। बाकी जिनके रोजे किसी बीमारी की वजह से, मुसलमान टूट गए बुखार की वजह से, ऐसे आगे रोजा टूट दिया या कोई और बनाई, तो उसके लिए ये जरूरी है कि दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी कर ले। ये बड़ा जो है वो गलत मैसेज आइए कि नहीं हजरत ये हमारे मैदा खराब हो गया था, अरे उसके दूसरे दिनों में तो हजरत तो ठीक है बिल्कुल, आप ताकत है, तुम कैसे फिदिया दे रहे हो? तुम्हारे लिए वो फिदिया नहीं, हाँ अगर ऐसे सदका देना चाहे तो अलग बात है, लेकिन आपके लिए दूसरे दिनों में रोजे टूटे, आपके 2 टूटे, 3 टूटे, 10 टूटे, 4 टूटे रोजे आपको रखने, अगर आप नहीं रखेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों के लिए आने वाला मुकद्दस दिन बाइस रहमत मुसर्रत और शादमानी बनाए। इंशाल्लाह हमारा मस्जिद हैदरी के अंदर नमाज ईद उल फितर 8:30 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद हाजरी के अंदर इंशाल्लाह नमाज ईद उल फितर 8:30 बजे अदा की जाएगी। एक बार मुसलमान और कह दूं, अभी 2 मिनट तो मैं आपका 1 मिनट और लेता हूँ। ऐसा है, हमने रोजे रखे रमजान के माशाल्लाह, जो लैलतुल जायजा के ताल्लुक से भी मैंने बताया कि इनाम मिलने की रात है, अगर उसी दिन इंसान सो जाए, पूरा महीना आपने क्या किया, ड्यूटी की तनख्वाह लेने का दिन आया, उसी दिन आप गए ही नहीं। ऐसा हो सकता है एक शख्स पूरा महीना जो है ड्यूटी की, उसकी उसको तनख्वाह मिले तो क्या वो चैन की नहीं सोएगा? नहीं सोएगा। इसी तरह कोई मजदूर मजदूरी करे, उसको शाम के टाइम पैसे ना दे काम करवाने वाला तो वो छोड़ेगा। तो लैलतुल जायजा इसे भी मत गवाया, इस रात के अंदर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करें। दूसरी बात, ईद के दिन जो सुन्नत और मुस्तहब चीज है, मोहल्ले की मस्जिद के अंदर आए, जमात के साथ नमाज पढ़े, ठीक है? उस दिन ऐसा होता है हम सोए होते हैं, सुबह सूरज निकला, नमाज दिन आपने फर्ज नमाज छोड़ दी है, तो वाजिब तो फिर क्या? जो फर्ज है इनका आपके ऊपर वो पढ़नी थी पहले, आपको वही नहीं पढ़ी आप, तो अल्लाह ताला आपको ईद की खुशियां नसीब फरमाए। मोहल्ले की जो है मस्जिद के अंदर आए, जमात के साथ नमाज पढ़े, एक दूसरे को मुबारकबादी दे। अगर कोई आपसे रूठा हुआ है उसको आप पहल करें, उसके घर में जाए, मुझे माफ कर दे अल्लाह के लिए। और इसी तरह जो है ईद, जो ईद उल फितर है ना, इससे नमाज ईद उल फितर अदा करने से कबल नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिजरत जाने से पहले
ताक खजूरें खाइए, तीन खाएं, दो तीन खाएं, पांच खाएं, सात खाएं, ग्यारह खाएं, इस तरीके से कुछ खजूरें तनावल फरमा करके आए और इन सब बातों पर अमल करें, अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाएं, एक दूसरे को मुबारकबादियां दें। अल्लाह ताला हम सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही व मा अलैना इल्ला Thank you.